तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आज का मुकाबला, जो कि काफ़ी बड़े मुकाबलों का, काफ़ी इंटरेस्टिंग मुकाबलों का। थोड़ा वीडियो आने से देर हो गया क्योंकि मैं थोड़ा बिजी में था। तो गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे आज का इंटरनेशनल टी20 मैच, जो खेला जाएगा न्यूजीलैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज़ के बीच में मैच खेला जाएगा। शाम को, रात को मैच खेला जाएगा, 9 बजे या 10 बजे ऐसा आपको मैच चालू होने के दिख जाएगा। तो गाइस, बात करते हैं इस मैच में क्या रहेगी हमकी टीम, क्या रहेगी प्लेयर की स्टैट, दोनों टीम का क्या रहेगी, पिछले मैच का परफॉर्मेंस कैसे रहेगी, दोनों टीम का प्लेयर परफॉर्मेंस पिछले मैच में, वो सब इसी वीडियो में दिखा दूंगा। तो वीडियो को शुरू से ही देखना, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस, चलो शुरू करते। पहले टीम देखने से पहले प्लेयर्स का देखना जरूरी होगा, तो उसके हिसाब से आप टीम बनाएंगे थोड़ा अच्छा बन सकता है। तो पहले देख ले प्लेयर्स के साथ दोनों टीम वो देख लेते हैं। में से 30 रन बना के प्लस 63 विकेट भी लेकर आ रहे। तो हर मैच में कोई एक ना दो विकेट लेके जाता है बंदा, जरूर कैप्टन ट्राई करना गैनिंग में। ग्लेन फिलिप्स हालांकि लास्ट 2-3 मैच अच्छे फॉर्म भी है, 43 मैच 923 रन बना के आ रहे, 30 का बैटिंग एवरेज इनका और इन्होंने भी 2 विकेट लेके आ रहे। नेक्स्ट आते ड्रेल मिचेल, 34 मैच में इन्होंने 643 रन बना के आ रहे, 25 का बैटिंग एवरेज और इन्होंने भी 7 विकेट लेके आ रहे। तो ये प्लेयर बहुत बड़ा है, गैन में कैप्टन ट्राई करना। डियॉन कॉन में 22 मैच 687 रन बना के आ रहे, 49 का बैटिंग एवरेज, ओपनिंग बैट्समैन है प्लस विकेट की करेगा तो उसका भी आपको पॉइंट आ सकता है। लॉकी फर्ग्यूसन 20 मैच 32 विकेट लेके आ रहे, तो ये प्लेयर बहुत बड़े आपको एक्सपीरियंस बॉलर है। टॉम नेटम 18 मैच 322 रन, 34 का बैटिंग एवरेज है। फिर नारन 13 मैच 334 रन, 25 का इनका भी एवरेज है। माइकल बैट्समैन बहुत बड़े प्लेयर है, जरूर उनको ग्राउंड में कैप्टन ट्राई करना। 7 मैच 86 रन बना के आ रहे, प्लस 9 विकेट लेके आ रहे, तो बहुत बड़ा प्लेयर है, बॉलिंग भी अच्छा खासा कर लेता है। नेक्स्ट लास्ट में मार्क हेनरी 6 मैच में 7 विकेट लेकर आए। तो ये था कुछ वेस्ट न्यूजीलैंड के प्लेयर का रिकॉर्ड। अब देख लेते हैं वेस्ट इंडीज के प्लेयर का रिकॉर्ड कैसे है। उसमें पहले आते हैं निकोलस पुरन, 67 मैच 1398 रन, 27 का बैटिंग एवरेज है, कैप्टन भी है वेस्ट इंडीज़ के, तो प्लेयर बहुत बड़े हर मैच में रन बना के दे सकता है। नेक्स्ट आते हैं सिमरन नेटमैन, 49 मैच में 797 रन बना के रहे, 20 का बैटिंग एवरेज का, तो ये प्लेयर बहुत बड़े फिनिशर के तौर पर आ रहे, तो फिनिश करके जा सकते हैं इस मैच को। नेक्स्ट आते हैं रोहन पॉल, 49 मैच 799 रन यानी कि 800 रन, 24 का बैटिंग एवरेज इनका और इन्होंने भी 4 विकेट ले गए, तो बैटिंग बहुत बड़ा कर लेते हैं प्लस कभी कॉल बॉलिंग से भी विकेट लेके दे सकता है। नेक्स्ट आते हैं जेसन रूडर, फॉर्मर वेस्ट इंडीज कैप्टन, 44 मैच में 314 रन प्लस 45 विकेट भी ले गए, तो कभी कॉल विकेट भी लेके जाते हैं। इनका रिकॉर्ड देखे तो हर मैच 1 विकेट लेके जाती है, तो प्लेयर बहुत बड़े। हेडन वॉल्सर 37 मैच 150 रन प्लस 30 विकेट लेकर है, एक स्पिन बॉलर है, बहुत बड़े बॉलर, हर मैच को विकेट लेके जा सकता है पर कभी कभार फ्लॉप भी हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं अकेला हुसैन, बहुत बड़ा स्पिनर है, 27 मैच 21 विकेट लेके आ रहे प्लस 83 रन भी बनाए गए, 20 का बैटिंग एवरेज है, तो ये भी प्लेयर बहुत बड़े हैं, खेलेगा जरूर इनको पिक कर लेना। ब्रैडन किन 27 मैच 577 रन बनाए गए, 24 का बैटिंग एवरेज इनका, तो ये प्लेयर बहुत बड़ा है, कभी कभार ओपनिंग करता है। नेक्स्ट कीमोपोल का रिकॉर्ड, 23 मैच में 25 विकेट लेके आ रहे, 187 रन बना के आ रहे, इनका बैटिंग एवरेज 20 का है,
ओपीडी में कोई 23 मैच 35 विकेट लेके आ रहे, तो हर मैच में कोई विकेट लेके दे सकता है। रामर स्नैपर 21 मैच 22 विकेट, ओडन स्मिथ 18 मैच 106 रन प्लस 17 विकेट, कैलेमन 16 मैच 329 रन 23 का बैटिंग एवरेज इनका। डिवॉन थॉमस 11 मैच 46 रन, सैमुअल ब्रूक्स 10 मैच 158 रन और डोमिनिक डिस 9 मैच 5 विकेट और अलजा 4 मैच 5 विकेट लेके आ रहे। तो ये दोनों टीम का प्लेयर का स्टार्ट था। आप देख लेते हैं दोनों टीम का पिछले मैच का परफॉर्मेंस कैसा था वो देख लेते हैं। 2 बजे सेकेंड T20 का रिकॉर्ड है, उसमें पहले न्यूजीलैंड बैटिंग करते हुए 215 रन बनाए थे 5 विकेट के ऊपर। उसमें मार्टिन गप्टिल 20 रन बनाए थे, डिवॉन कॉनी 42 रन, केन विलियमसन 4 रन बना के आउट हुए थे, ग्लेन फिलिप्स 76 रन बना के आउट हुए थे, डेल मिचेल 48 रन और जिमी मैथ्यूज 9 रन, माइकल ब्रैसवेल 4 रन बनाया था। और बॉलिंग सेशन में कैलम से विकेट नहीं लेता, रॉमर स्नैपर 1 विकेट, ओबीडी में कोई 3 विकेट लेके आया था, जेसन ओडो 4 ओवर में 40 रन दिया था विकेट नहीं लेता, एडन वॉसा 4 ओवर में 50 रन और वॉडिन स्मिथ ने 3 ओवर में 1 विकेट लेके आया था। और वेस्ट इंडीज के बैट्समैन ने ये चेज नहीं कर पाए थे, कैलम 4 रन, सैमुअल ब्रूक्स 7 रन, निकोलस पुरन 1 विकेट सॉरी 1 रन, डिवॉन थॉमस 1 रन, हेटमैन 14 रन, जेसन ओडो 11 रन, रॉबर्ट पॉल 21, रॉमर स्नैपर 18, ओडन स्मिथ 9 और हेडल 10 रन, ओपनिंग ओपन 23 रन की पारी खेल रहे थे। और बॉलिंग समय ट्रेंट बॉल ने विकेट नहीं लिया था, टीम सौ 1 विकेट, मिशेल सैंट ने 3 विकेट, माइकल ब्रैसवेल 3 विकेट लेके आया था, 1 मिनट रुक गया था, प्लस इस चौधरी ने भी 1 विकेट लेके आया था। तो अगर यह था कि दोनों टीम का एक सेकेंड T20 था तो इसमें हार करा रही है वेस्ट इंडीज। तो अब देख लेते सीधा डायरेक्ट टीम कैसा है वो देख लेते। मैं ऑलरेडी एक टीम बना चुका तो उसको एडिट करके मैं दिखा दूंगा। उससे पहले यहाँ पे देख लो, आप फ्री मैच फ्री से ज्वाइन करके आप फ्री विनिंग कर सकते हो लीग्स में, तो बहुत बड़े ऐप है, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप 20 में आते हो 20 रैंक में तो आपको 5 पैसे मिलेंगे, 5 बोनस, और उससे आप 100% बोनस लीग ज्वाइन कर सकते हो और यहाँ पे 20 टीम लगा सके आप जीत सकते हो। तो बस पहले टीम आपको एडिट करके दिखा दूंगा। तो इस टाइम मैं 3 मैच में लिया हूँ, गैन फिलिप्स, केन विलियमसन, गैरी मिलर्स। गैन फिलिप्स का रिकॉर्ड होगा पिछले 2-3 मैच बहुत बड़ा रिकॉर्ड है इनका। पिछले मैच में 84 रन की पारी 76 रन की पारी खेल रहे थे और उससे पहले मैच से 17 रन 2 कैच, तो हर मैच आपको अच्छा परफॉर्मेंस करके आ रहे तो इसलिए मैं उनको पिक किया हूँ। केन विलियमसन को पिक किया हूँ, ये प्लेयर बहुत बड़ा है, कैप्टन भी है। पिछले मैच से फ्लॉप हुए थे, सिर्फ 4 रन बना के आउट हुए थे, पर उससे पहले मैच देख सकते आप उनको 47 रन की पारी खेल रहे थे और टेस्ट में भी बहुत बड़ा पारी खेल कर आए, तो बंदा इसलिए मैं उनको पिक करा। और लास्ट में पिक करूँ कैलम विलियमसन, क्योंकि ओपनिंग बैट्समैन है, कब तक बॉलिंग भी कर रहा था, इसलिए मैं उनको पिक किया हूँ। हालांकि पिछले मैच फ्लॉप हुए थे, सिर्फ 4 रन बना पाए थे, लास्ट 2-3 मैच फ्लॉप ही थे, पर एक मैच अच्छे पारी खेल गए थे वही इंडिया के खिलाफ, तो इसलिए मैं उनको पिक कर रहा हूँ। और विकेट पोजिशन में मैं डिवॉन कॉम को मस्ट पिक करूँगा, क्योंकि वही ओपनिंग करेगा प्लस विकेट भी करेगा और अच्छा खासा रन भी बना के दे रहा है, इसलिए मैं उनको पिक किया हूँ। पिछले मैच 42 रन की पारी खेल गए थे, उससे पहले 43, हर मैच आपको 40+ रन बना के दे रहा है, इसलिए मैं उनको पिक किया हूँ। तो और दो में मिस सेंटर, माइकल ब्रैसवेल, जेम्स निसम और जेसन ओडो। मिस सेंटर को अब छोड़ने से थे क्योंकि हर मैच में आपको अच्छे परफॉर्मेंस के जरिए पिछले मैच 3 विकेट, उससे पहले मैच 3 विकेट और नेदरलैंड T20 में 76 रन 77 बैटिंग में बैटिंग से भी कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा है, तो इसलिए मैं उनको पिक कर रहा हूँ, मस्ट पिक करूँगा क्योंकि मैं हर मैच अच्छे परफॉर्मेंस करके आ रहे हैं। माइकल ब्रैसवेल पिछले मैच 3 विकेट ले गया था, फर्स्ट मैच खेले थे वेस्ट इंडीज के खिलाफ, उसमें भी 3 विकेट लेके आए थे प्लस 1 मिडल, उससे पहले नेदरलैंड के खिलाफ 2 विकेट लेके आया था और स्कॉटलैंड के खिलाफ उन्होंने 3 विकेट 2 मिडल करके आया था। तो प्लेयर बहुत बड़ा है, हर मैच के आपको विकेट लेके जा रहा है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। और जिमी निसम एक प्लेयर बहुत बड़ा है, देख लो उनका रिकॉर्ड, पिछले मैच फ्लॉप हुए थे, सिर्फ 9 रन बनाए थे, उससे पहले मैच 33 रन बनाए थे, हालांकि बॉलिंग भी नहीं कर रहे। आप उनकी जगह डेल मिचेल के साथ जा सकते हो, पर मैं इसे लेकर जिमी निसम के साथ जा रहा हूँ। और लास्ट में जेसन ओडो इसलिए पिक करूँगी कि एक्सपीरियंस बॉलर है, पिछले मैच विकेट नहीं लेते बॉलिंग से, पर 11 रन बना के आउट हुई थी और उससे पहले मैच 35 रन 1 विकेट ले गए थे, और बॉलिंग बड़ी दोनों बहुत बड़े करता है, इसलिए मैं उनको पिक किया। और बॉलिंग में ओडन स्मिथ, ओबीडी में कॉल ईश चौधरी को ले जा रहा हूँ। ओडन स्मिथ पिछले मैच एक विकेट ले गया था, सिर्फ 3 ओवर गया था, पर उससे पहले मैच देख सकते 27 रन 3 विकेट ले गया था, तो हर मैच आपको रन प्लस कभी कभार विकेट भी लेके देता है, तो इसलिए मैं उनको पिक किया। और ओबीडी में कहूँगा आप छोड़ सकते हो क्योंकि डेथ ओवर बॉलर है, हर मैच वो विकेट लेके देता है, पिछले मैच 23 रन 3 विकेट ले गया था, उससे पहले 1 विकेट, तो हर मैच आपको विकेट लेके देता है, इसलिए मैं उनको पिक किया। और लास्ट में ईश चौधरी पिछले मैच 1 विकेट लेके आया था, तो
इससे पहले भी विकेट लेके आया था, इसलिए मैं उनको पिक करूँ। स्पिन बॉलर है, एक्सपीरियंस बॉलर, आप भी जरूर उनको कैप्टन ट्राई करना गैली में। इस मैच से 2-3 विकेट लेके दे सकता है। तो वैस कैप्टन, वाइस कैप्टन में कैप्टन मेरा मिस सेंटर रहेगा, वाइस कैप्टन मेरा जिमी रहेगा। तो वैसे एक स्मॉल टीम रहेगा। थैंक यू सो मच गाइस।